कोल्हापुरात 10 कोटींचा गोलुरेडा। एकाच वेळी 5 किलो फळे खातो। लिटर दूध पिणारा रेडा। नमस्कार प्रेक्षक हो, मंडल न्यूज मध्ये मी अनिता काळे आपले स्वागत करते। प्रेक्षक हो, उंच आणि धिप्पाड 10 कोटींचा गोलुरेडा, 2.5 फूट उंचीची सर्वात लांब पंगणूर गाय, तब्बल 35 लिटर दूध देणारे म्हैस, झुंजीचा कोंबडा, 100 किलो वजन असलेला वैताड बोकड आणि असे बरेच काही प्राणी पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी गेल्या 3 दिवसांपासून मेरीवेदर मैदानावर भरवण्यात आलेल्या भीमाकृषी पशु प्रदर्शनात गर्दी केली आहे। दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील 26 ते 29 जानेवारी दरम्यान या कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले असून या प्रदर्शनातील 100 किलो वजनाचा वैताळ बोकड, फायटर कोंबडा, 95 किलो वजनाचा 1 वर्ष 26 दिवसांचा कोहिनूर बिटल बकरा, लाल कंधारी म्हैस, रावण नावाचा 6 फूट 2 इंच लाल कंधारी वडू, नांदेड येथील खिल्लार बैल, 4.5 फूट लांब शिंगे असलेले पंढरपुरी म्हैस प्रमुख आकर्षण ठरत आहेत। याशिवाय कडकनाथ कोंबड्या, लवबर्ड्स, ससे हेही आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरत आहे। तर या सर्वात हरियाणावरून आणलेला तब्बल 10 कोटी रुपयांचा गोलू 2 या रेड्याची चर्चा सध्या सर्वाधिक सुरू असून नागरिक या रेड्याला पाहायला मोठी गर्दी करीत आहेत। हत्तीनंतर सर्वात मोठा आणि लांब प्राणी गोलू 2 असल्याचा दावा या रेड्याच्या मालकाने केला आहे। मेरा नाम नरेंद्र सिंह और गाँव डिडवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं 25 साल से मूरा नस्ल पर कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो इसके दादाजी थे गोलू 1 जो होता वहाँ से शुरुआत की थी। वो लगातार 11 साल तक लगातार इंडिया का चैम्पियन रहा। उसके बाद कई बुल तैयार हुए, सुल्तान, युवराज, शहनशाह काफ़ी तैयार हुए, PC 483 यानी गोलू का पोता, ये गोलू 2 रखा। इसने 2-3 साल के अंदर जितने भी कंपटीशन लड़े लगभग सभी कंपटीशनों में प्रथम रहा, चैम्पियन बना। और इसकी खासियत जो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 4 फुट के आसपास चौड़ा है। मैं ये कह सकता हूँ अगर जानवरों में सबसे पहले हाथी चौड़ा और उसके बाद इसको मानता हूँ गोलू 2 को। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 5.5 और 6 फुट के बीच की है और लंबाई 14 फुट है और जो इसका बॉडी वेट है वो 15 क्विंटल है। मैं ये कह सकता हूँ इससे बॉडी वेट सिर्फ जानवर में हाथी का मिल सकता है और जानवर किसी जानवर में नहीं मिल पाए शायद। और इसके कई एजेंसियों ने जो सीमन का काम करते हैं 10 करोड़ रुपए लगाए लेकिन मैंने देना नहीं क्योंकि मैंने भी अपना इसका वो निकाला डाटा तैयार किया। इसका सीमन 300 रुपये पर डोज बिक जाता है और 1 सप्ताह में 700-800 सीमन दे देता है, उसे काफ़ी इनकम हो जाती है। और रही बात है सीमन बेचने की, नहीं मेरे पास 100 भैंसों का फार्म है, उस पर मैं AI करवा कर उनके बच्चे तैयार करता रहूँगा। साल तक का बच्चा मेरा फार्म का 3 या 4 लाख का बच्चा, उससे काफ़ी इनकम हो जाती है। अभी फिलहाल इसका खुराक क्या है? इसकी खुराक है ये 30 किलो सूखा और हरा चारा खा जाता है और 7-8 किलो फीड खा जाता है। और जब बाहर कंपटीशनों में जाता है वहाँ क्योंकि खाना कम कर जाता है क्योंकि स्ट्रेस मानता है, वहाँ दूध कमड़ा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और तो मैं 25 साल से इसमें मुर्रा पर काम किया। वैसे तो मेरे पास काऊ भी है, काऊ पर भी काम किया, मतलब कंपटीशन जा जाते काऊ का भी कंपटीशन लड़ते, उसमें मेरा 3rd, 2nd, 3rd में पोजीशन रहती है। और इस कार्य पर भारत सरकार ने 2019 में मेरे पद्मश्री अवार्ड भी दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसा बोल, वैसे कोशिश हमारी फिर भी है, इसका बेटा तैयार कर दिया है, वो अपनी एज में 1st आता रहा, शायद इस प्रकार मैं भी तैयार ना कर पाऊँ, ये भगवान। और जो कि इसके कारण से भारतवर्ष की पब्लिक ने मेरे को बड़ा प्यार कर रही है और मेरे को आशीर्वाद दे रही है, वो इसी का कारण है। अभी फिलहाल इतना सब लोग देखने के लिए आते, देखो कल क्या रिएक्शन रहते हैं कल भी मेरे ख्याल में कोल्हापुर के आसपास की जनता ने 10,000 लोगों ने इसको देखा होगा। ये तो कोई नई बात नहीं, जहाँ भी जाता है, जौन से राज्य में जाता है उसी राज्य के लोगों को अपने आप ही बुला लेता है, ये इसमें अपना वो है। और समझदारी इतना, ये हमारे फार्म पर इसका स्विमिंग पूल भी है,
एसी रूम भी है और टीवी भी लगा। मैं ये कह सकता ये इंसान से भी ज़्यादा समझदार है, टीवी भी देखता है और अच्छाई और बुराई को भी समझता है, इतने इसके अंदर गुण है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। या गोलू रेड्याने आतापर्यंत अनेक बक्षिसे जिंकले असून याला सांभाळणे देखील वाटतं तेवढे सोपे नाहीये। गोलूला रोज 15-20 किलो पशु आहार, ज्यामध्ये 5 किलो फळ आणि रोज 20 लिटर दूध लागतं। तर त्याच्यासाठी स्वतंत्र अशी आंघोळीची व्यवस्था आहे, तसेच 24 तास एसी आणि टीव्हीची देखील सोय करण्यात आली असून तो रोज टीव्ही देखील पाहतो। या आगळ्या वेगळ्या रेड्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली असून त्यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरात असलेली सर्वात कमी उंचीची पुंगडूर गाय देखील या प्रदर्शनात ठेवण्यात आली आहे। ही गाय 3 वर्षांची असून केवळ 2 फूट 5 इंच उंचीची आहे। ही गाय दिवसाला 4-5 लिटर दूध देत असून तब्बल 500 रुपये लिटर या दुधाची विक्री होते, असे गायीच्या मालकाकडून सांगण्यात येत आहे। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।